है तो जाओ, चालू है ये आपके भक्तराज, इनका नाम विभीषण है, ये रावण के भाई लगते हैं, लेकिन इतने उसके अंदर जो भावना है वो निशाचरों कुल की है, लेकिन इनके अंदर जो भावना है, जिस समय हम लंका में गए तो सिर्फ लंका के अंदर इन्हीं की जो कुटी थी, जिसमें सारी कुटी में श्री प्रभु जी आपका ही नाम लिखा हुआ था, और ये आपके सच्चे भक्त हैं, और इन्हें अपने चरणों में अपना लीजिए प्रभु। ठीक है हनुमान, जो निर्मल है जो निश्चल है वही जन मुझको पाता है, चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे संग मुस्कुराता है। कब मेरे शनिपुर आता है, यदि सभी को शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं, फिर महापाप की पोषण के उसको कदापि ना तजूंगा मैं। सदीत सरला यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रख लूंगा मैं, अपने समीप बिठाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा। अगर ये निर्मल है, स्वच्छ है और सच्चा साथी है तो ठीक है, मैं अपने चरणों में रखने के लिए इन्हें तैयार हूँ। ठीक है, जो प्रभु आज्ञा हो। हेलो, हाँ देखिए आता है उनको स्वागत बनाते हैं, तभी कुछ देर बाद सब आपस में सलाह करते हैं कैसे क्या किया जाए, लंका पर कैसे चढ़ाई किया जाए, तो तभी सब सोचते हैं आपस में सलाह करते हैं, क्या सलाह करते हैं देखिए पढ़ो। कैसे जामवन, ऐसा है कि आपकी बार जैसे हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका को गए हैं, वैसे ही एकजुट भेज दिया जाए और रावण को समझा दे माता जी को वापस आता है या कि युद्ध करता है। ठीक है जवान, तुम सही कह रहे हो, अगर हम बार बार जाएंगे तो सोचेगा रावण कि हमको लगता है कि राम आदल में सिर्फ एक ही वीर है। हाँ हाँ भैया, यही हम चाहते हैं कि आपकी बार कोई दूसरा वीर जाए, जैसे कि हमारे युवराज। ठीक है जमवन, इसलिए मैं अंगद के सर पर ये भार सौंपता हूँ और अंगद वीर जाएंगे जिसे माता को लंका से लाने में आसानी हो सके। हे प्रभु, कहे अंगद, आपने इतनी सेनाओं में मुझे चुना,
मुझे अपने आप पर गर्व है। जिस जन पर कृपा आपकी हो बलवान सबल हो, लेकिन फिर भी एक डर लग रहा है कि लंका में लंका का राजा रावण बहुत विशाल राक्षस है, इसलिए मुझे डर लग रहा है तुम पर। गला खराब है। हे प्रभु, आप चिंता ना करें। सुनकर आप मुझे जिस विश्वास के साथ लगा हुआ है।